हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं CSIR की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। बात करें हम CSIR की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ना कोई आपको एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल है फीमेल है दोनों ही एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, 31,000 प्लस आपको HRA पे किया जाएगा, एज पर नॉर्म्स जो भी रहेगा वो आपको पे किया जाएगा पर मंथ के अकॉर्डिंगली। सो किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक करते हैं मोटिवेशन मिलता है, इससे मेरा और मन करता है मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आऊँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, अन अकेडमी की तरफ से 2 डेज का सबमिट होने जा रहा है, जिसमें फेमस स्पीकर्स आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से प्रेपरेशन करनी है। इसी के साथ टॉप एजुकेटर सिविल सर्विसेज के जो कि अन अकेडमी से होंगे, आपको एग्ज़ाम की और भी क्लैरिटी के लिए हेल्प करेंगे कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक करना है। इसी के साथ वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे, जो कि 2 डेज़ का सबमिट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 70 स्पीकर्स होंगे, 20 डिस्कशंस एंड 32 वर्कशॉप्स होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से एनरोल कर लीजिए और एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि है तानिया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 2 डेज़ का सबमिट बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एनरोल जरूर कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं CSIR की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जा चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। अपनी ऑफिशियल साइट पर मैं अपडेट करके आ रही हूँ www.glory.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिट करके आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। प्रॉपरली आपको वहां गाइड भी किया गया है किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बात करें हम CSIR की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। तो इसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच्ड किया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाउनलोड करके आपको अपनी हैंडराइटिंग से फिल कर लेना है, अपनी हैंडराइटिंग के साथ ही आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको आपने स्कैन करके इनके जो मेल आईडी गिवन है, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ मेल करना है, कोई ऑनलाइन किसी पोर्टल पर अप्लाई नहीं करना है आपको, ना ही कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सिंपली आपको इनका फॉर्म फिल करना है और स्कैन करके PDF फॉर्मेट में इनको आपने ईमेल कर देना है, जो उन्होंने मेल आईडी अपनी मेंशन की हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको अपनी ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया हुआ है सेपरेटली आपको बताया जाएगा आपकी इंटरव्यू कब है इन वैकेंसीज के लिए। एग्ज़ाम नहीं होगा, ना कोई फ़ी पे करनी है, इंटरव्यू आपकी वॉक इन होगी या फिर ऑनलाइन, वो इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, आपको थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट के जरिए ही इन्फॉर्म किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है और कौन कौन से कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें जो वैकेंसीज है, अगर मैं टाइप ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो 3 टाइप की वैकेंसीज है, बट इन्होंने उसको भी आगे डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड किया है, जो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली चेक कर। तो तीनों टाइप की जो वैकेंसीज है उनका 1 by 1 में आपको बताऊंगी किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और अदर एलिजिबिलिटी क्या है, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी क्लियर किया है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपके इंटरव्यू होने हैं और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी इन वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन होने वाली है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट की। तो जो फर्स्ट पोस्ट आउट हुई है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इसमें आपकी एज मिनिमम जितनी मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 50 है, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए अगर आपने BSc की हुई है मेडिकल, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर में 60% मार्क्स के साथ, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई कर
सकते हैं। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें डिज़ायरेबल है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट की, और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट और एसोसिएट की वैकेंसीज बताई है इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 20,000 प्लस HRA एज पर नॉर्म्स आपको पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो भी प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है। आपकी एज मिनिमम 19 या फिर 20 अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम जो है वो 50 है, 50 से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपके अगर नॉन में भी कोई होंगे उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना ताकि किसी के काम आ सकते हैं वीडियो। उसके बाद इसके लिए बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपने BSc की हुई है फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में या फिर मेडिकल में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है पर मंथ 25,000 प्लस HRA आपको पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है जो थर्ड पोस्ट है ये, इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 31,000 प्लस HRA एज पर नॉर्म्स आपको पे किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर एज क्राइटेरिया की बात करें मिनिमम 18 और मैक्सिमम है 35। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है OBC, SC, ST उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है एज पर रूल्स। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने MSc की हुई है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या फिर अगर आपने MTech, BTech की हुई है केमिस्ट्री में या MPharma किया है, तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपने देखा 3 टाइप की वैकेंसीज है, इसको भी इन्होंने आगे डिवाइड कर रखा है। कुछ वैकेंसीज के लिए फ्रेशर एलिजिबल है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इसके लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने के है वो 4 मार्च 2021 तक आपको अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है इनकी अदर एलिजिबिलिटी को समझते हुए आपने अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया किसी के लिए इसेंशियल है एक्सपीरियंस, मतलब मस्ट है, किसी पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और अप्लाई ज़रूर करना, कोई फ़ी तो पे करनी ही नहीं है। किसी भी कैटेगरी के लिए अगर एलिजिबल है अप्लाई आपने ज़रूर करना है। बाकी इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको या फिर ईमेल आएगी या तो आपको कॉन्टैक्ट के ज़रिए ही इन्फॉर्म किया जाएगा। इन्होंने मैंशन किया हुआ है, हालांकि बहुत कम होता है कि अगर आपको इंडिविजुअली जो है इन्फॉर्म किया जाए रिगार्डिंग इंटरव्यू, बट ये करेंगे। इन्होंने मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन के अगर पेज नंबर 3 या 4 पे आप देखेंगे वहां इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको पहले अच्छे से नोटिफिकेशन रीड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने साथ में अटैच किया हुआ जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको अप्लाई कर लेना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैं वैकेंसीज आपके लिए लेकर आती ही रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप हमारी ऑफिशियल साइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।